शंकराचार्य मथाश्रम पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारणं अस्मात् गुरो सन्ततमानतोऽस्मि श्रुति स्मृति पुरा ऐसा निर्णय करने के फलस्वरूप
मन जब और फिर बाहरी विषय संबंधित चिंता नहीं करता, क्यों? यदि बाहरी विषय संबंधित मन चिंता कर रहा तो अभी तक मिथ्यात्व निश्चय पूरा नहीं हुआ। जिस प्रकार हमने सापनिक वस्तु को लेकर के कभी विचार नहीं करते हैं, तो उसी प्रकार से जो मन जो है बाहरी विषय संबंधित चिंता करके मतलब अभी तक मन हमारा जो है जगत के मिथ्यात्व को निश्चय नहीं कर पाया। यदि मिथ्यात्व निश्चय हो जाता तो फिर क्या होता, राय हमारे तथा मतलब ग्रहण करने जो कोई वस्तु है नहीं मन के द्वारा, तो उसको ग्रहण करो। एक भगवान ही जो है आत्मा स्वरूप में मन को स्थिर करके तो बैठ सकते हैं। इसमें जो प्रतिबंध है एक एक करके दिखाया, जब आप मन को स्थिर करने जाएंगे तो भी बहुत कठिन काम है। उषा के एक बिंदु के द्वारा समुद्र को खाली करने के लिए जो जितना दृढ़ अध्यावसाय चाहिए, कितना दृढ़ अध्यावसाय साथ ये काम में लगने पड़ता है। और मन धीरे धीरे बस में आता है, परंतु वहाँ पर जो प्रतिबंध का लिखा एक लय, एक वृक्ष, एक सकसाय, एक स्वरस, समाधि के रस स्वर, ये चारों से धीरे धीरे मन को उठाने पर मन जो अपने स्वरूप स्थिर होकर अधिष्ठान के साथ एक हो जाता है। तो बोले थे कि दिदाना लिये चित्त न विक्षिप्त थे, जिस समय मन जो है सुनने का भी इच्छा नहीं करता है, बाहर विषय की चिंतन का भी इच्छा नहीं करता। यहाँ पे जो लय और चित्त विषय इसमें बोलते हैं कि दोनों को छुपा दिया, मतलब इस लय के साथ सकसाय और विक्षेप के साथ रसाशय, क्योंकि लय और ये जो सकसाय ये तामसिक धाम है और विषय सुखाशन जो है ये राजसिक धाम है। ये दोनों से जब मन उठ जाता है इसको समझाने के लिए दो पद अनिंदन अनाभाषण, जिस समय इस भाव में आ जाता है मन तब कहते हैं तदा तत् तदा ब्रह्म निष्पन्न तत् मन तदा ब्रह्म व्यापकता की भाव में स्थिर हो गया, ऐसा निश्चय करना चाहिए। कैसे समझो कि मन जो है धीरे 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 भगवान में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तब क्या होगा, मन विशेष संबंधित संकल्प करना छोड़ देगा। कल 46 तक पढ़ लिए थे, पूरा हो गया था, अब 47 के लिए ऊपर का देगा, ठीक है ना। ये जो स्थिति को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसको कैसे समझते हैं, कैसे कहते हैं, उसको लेकर के बोलने के लिए टीकाकार अगला श्लोक के लिए 47 के लिए उपदेश दे रहे हैं। असंप्रज्ञात समाधि अवस्थायाम येन रूपेण चित्तम अभिनिष्पद्यते तद् ब्रह्मस्वरूपम् विष्णुस्ति। पहले संप्रज्ञात समाधि, फिर असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि मतलब क्या है कि विराम प्रत्यय और अभ्यास पूर्व संस्कार शेष है ना, कि बस जो हमने अध्ययन करने का अभ्यास कर रहे थे और उसको धीरे धीरे रोक करके बस केवल अस्मिता, पहले तो हमने अस्मिता में लाया, फिर जाए मैं अस्मिता का भी दृष्टा हो गया। हाँ, संप्रज्ञा तो समाधि है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुभव संप्रज्ञा को, अतः स्थूल फिर सूक्ष्म फिर सूक्ष्म सूक्ष्मतम वस्तु में धीरे धीरे मन में एकाग्र करके जब हम मन स्थिर होते हैं वो होते हैं संप्रज्ञा तो समाधि। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्न, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्न, मतलब इस प्रकार जो ध्यान कर रहे थे वो उस ध्यान की वृत्ति बंद हो गई। हाँ बंद हो गई और केवल मात्र एक संस्कार रूप अस्मय हूँ, हाँ इस भाव में बैठ सकते हैं कि हो गया संप्रज्ञा। अब ये संप्रज्ञा तो समाधि में कैसे, मतलब आत्मा में मन को स्थिर कर दिया होगा, असंकार व्यक्ति में ही स्वरूप में विचार कर रहे थे, मन स्थिर भी हो रहा है, इसमें रसस्वरण भी कर रहे हैं, उससे भी मन को उठा करके निस्संग प्रज्ञा मुझे विवेक पूर्वक वहाँ से भी मन को उठाना है क्या, कि यहाँ से भी उत्थान हो सकता है, यहाँ से भी उठेंगे तो फिर शरीर के साथ आदत होंगे। इसलिए जो है बस हमेशा सुसरल को उस प्रकार समाधि सुख का आस्वादन नहीं करते हुए निस्संग प्रज्ञा मुझे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से उससे भी मन को उठा करके अपने ध्यान को बताने को स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार पहले खत्म करता है, इसलिए बोलते हैं असंप्रज्ञा तो समाधि अवस्थाया, इस असंप्रज्ञा तो समाधि अवस्था में जैन रूप न चित्त की जो स्थिति होती है, जैन रूपे न चित्तम अभिनिष्पद्यते, जिस रूप से चित्त अभि मतलब विद्यमान है तो अभिनिष्पद्यते, पांच नंबर के ऊपर देखिए बोल रहे हैं मतलब आविर्भव चित्त जिस रूप में अभिव्यक्त हो जाता है उस समय, वर्तमान चित्त मनोवृत्ति विषयाकार के साथ आभास और विषय आभास के साथ अभिव्यक्त हो जाता है उस समय, ऐसा नहीं। इसलिए बोलते हैं आगे आविर्भव मतलब अभिव्यक्त अभिव्यज्यते अभिव्यक्त होता है चित्त उस समय, उसको लेकर के तब ब्रह्म स्वरूप वही जो है
आपकी ज्ञानों का मैं विश्व स्वरूप उदय विश्व को व्याख्या करते हैं पेटी करता मतलब मान को कार्य करता ग्रंथ का श्लोक में मकथ्यं सुखमुत्तमं मकथ्यं सुखमुत्तमं अजम् अजेन घेन अजम् अजेन घेन सर्वज्ञं परिचक्षते सर्वज्ञं परिचक्षते स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणं मकथ्यं सुखमुत्तमं अजम् अजेन घेन सर्वज्ञं परिचक्षते उस समय चित्त क्या होता है स्वस्थ है ना स्वस्मिन् स्थितः स्वस्थ स्वस्मिन् स्थितः स्वस्थ मतलब आपने में ये अस्वस्थता क्या है अस्वस्थ बोलते हम अस्वस्थ है मतलब क्या है अपने में नहीं है कोई बीमारी पकड़ लिया बीमारी के साथ एक होकर तुम अस्वस्थ हो अब ये भी बीमारी है शरीर के साथ भवरोग यही तो भवरोग है शरीर के साथ तादात्म्य करके व्यवहार करना ही दीर्घतम रोग है और इसी भवरोग के द्वारा हम लोग पीड़ित हैं स्वस्थ के जो भाव उसको बोलते हैं स्वास्थ्य उत्पत्ति स्वस्थ मतलब स्वस्मिन् स्थितः बस अपने स्वरूप में विद्यमान है अभी शरीर भाव में शरीर के साथ तादात्म्य करके विद्यमान नहीं रहते इसलिए स्वस्मिन् स्थितम स्वस्थम है ना इस व्यापकता का विभाग फिर क्या होता है स्वस्मिन् अपने स्वरूप में रहने के कारण वो तो पूर्ण है वो व्यापक है वहाँ पर कोई विक्षेप नहीं है इसलिए वो शांत रहता है परिच्छिन्नता में विक्षेप है व्यापकता में पूर्णता में विक्षेप नहीं है इसलिए वो शांत है सनिर्वाण मतलब वहाँ पे क्या है भी दुख से रहित है वो स्थिति वो दुख से रहित है सनिर्वाण मतलब वो निर्वाण स्थिति है मतलब मान मतलब दुख है ना और दुख से नहीं है ना उस भाव में स्थित रहते हैं स्वस्थम शांतम सनिर्वाणम और इस समय जो सुख की अनुभूति होती है उत्तम सुख है मैं देखा उत्तम मतलब जिससे अधिक उत्तम सुख हो ही नहीं सकता परंतु अकथ्यम इसको आप भाषा से व्यक्त नहीं कर सकते इस सुख की अनुभूति को इस अनुभूति का शब्द द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते यदि इंद्रिय अथवा मनोगम का वस्तु होता तो आप शब्द के द्वारा व्यक्त कभी व्यक्त कर देते इसलिए उत्तम सुखम अकथम स्वस्थम शांतम सनिर्वाणम सुख उत्तम अकथम सुखम है ना वो सुख उत्तम सुख जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते आप बताइए सामान्य मैं बोल रहा हूँ आपने भी रसगुल्ला खाया हमने भी खाया इसलिए भी खाया आप तो करुआ खाए कोई बात कैसे लगा क्या बोलेंगे मीठा लगा परंतु उस मीठा की मात्रा कितना है क्या है वो दूसरे को समझाना संभव नहीं है अपने आप खाके समझ में आता है जब सामान्य व्यवहारिक वस्तु में भी ये स्थिति है तो पारमार्थिक वस्तु जो इंद्रिय रूप में नहीं है इंद्रिय रूप में वस्तु में भी ये स्थिति है आपने क्या देखा मैंने ये देख लिया अच्छा लगा परंतु वो जो अच्छा की डिग्री मात्रा अथवा किस प्रकार की अच्छा वो किसी को नहीं समझा जा सकता ये अंदर की बात है इसलिए यहाँ पे अकथम सुखम उत्तम है आपको होता क्या वहाँ पे अजम अजेन ज्ञेन एक जन्म रहित तत्व को एक जन्म रहित तत्व के द्वारा मन अभिन्न रूप से जाना मन एक नंबर टिप्पणी एक दो अजम अजेन ज्ञेन है ना और एक जन्म रहित एक जन्म रहित तत्व के द्वारा और वही वो ज्ञेय भी है वो ज्ञाता भी है वो ज्ञान भी है वही ज्ञान है पहले तो क्या भगवान श्री कृष्ण भगवान के 13 मंत्र में क्या बोलते हैं ज्ञेयम जत प्रवक्षा में जत ज्ञाता हूँ तमस्कृत फिर बोलने समय क्या बोला अनादिद अनादिमत परम ब्रह्म न सत न सदुच्छते प्रतिज्ञा तो किया कि मैं बताऊंगा और बोलते समय बोलते कि नहीं वही कभी सत भी नहीं और सत भी नहीं ये कोई बोलना हुआ क्योंकि क्या करें स्थिति ऐसी है इसीलिए आप बोलते हैं अजम अजेन ज्ञेन एक जन्म रहित तत्व को एक जन्म रहित तत्व के द्वारा अभिन्न रूप से जाना जाता है ज्ञेन अव्यति है ना रूप ये था उसको जो है अभिन्न रूप से जाना जाता है इस स्थिति को ही परिचक्षते
तो ब्रह्म तत्वदर्शी पुरुष है ना, यानी चक्ष चष्टे चक्षाते चक्षत भगवत नहीं चष्टे चक्षी धातु है परम चक्ष, इसी स्थिति को ही सर्वत्र स्थिति बोलते हैं। जहाँ सर्व नामक कोई वस्तु रह नहीं गया, इस स्थिति में मतलब पूर्णता कोई सर्वता बोला जाता है, पूर्णता के हाथ कोई सर्वता सर्व वस्तु तो कुछ है ही नहीं, क्या सबको जानेंगे क्या, उसका वस्तु सारा मिथ्या होगा, उसको जानने की कोई नहीं बात, इसी को इस शब्द का द्वारा बोला जाता है, कहते हैं जो कहते हैं इसको सर्व को कहते हैं चक्षिण धातु में चष्टे चक्षाते चक्षते और बड़े इसको हमेशा इस रूप में कहते हैं, बोले ष्ठम किस बोलते हैं वो आप अपने स्वरूप में अपने महिमा का स्वभूमा कस्मिन प्रतिष्ठित स्वी महिमे प्रतिष्ठित यदि न महिमे अपने महिमा में प्रतिष्ठित रहते हैं अथवा कोई महिमा ही नहीं है उनका अपने में रहते स्वस्थता, क्योंकि ये स्वस्थता की भाषा अपने में रहता है इसीलिए शांत रहता है और इसीलिए यहाँ पे कोई अशांति में दुख होता है विक्षेप में दुख होता है मन शांत बैठे कोई दुख नहीं होता, इसीलिए स्वनिर्वाण मतलब वहाँ पे बाण से रहित दुख रहित अवस्था को प्राप्त करता है। इस समय तो क्या केवल दुख रहित वेदांत की नहीं है निर्दिश आनंद आतंकिक दुख निवृत्ति निर्दिशय दुख आनंद की प्राप्ति आत्यंतिक रूप में वृद्ध दिखा करने के बाद इस व्यापकता का जो कोई घुमा तत् सुखम जो पूर्णता की भाव है ना वही सुख कारण होता है, परिच्छिन्नता के भाव ही दुख नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे एक परत्व एक ऐसी सुख है जिसको आप शब्दों की तरह वर्णन नहीं कर सकते, क्यों क्योंकि एक इंद्रिय गुण सुख है इसलिए परत्व सुख की अनुभूति होती है। अब होता क्या है वहाँ पे जो दो पहले दो दिखाई दे रहा था एक जानने वाला एक जानने जो को वस्तु जीवात्मा परमात्मा को जानते हैं, अब हुआ क्या कि जैसे ठाकुर जी बोलते हैं ना मन का पुतला समुद्र के गहरे में अपने गए तो क्या हुआ समुद्र ही हो गया, तो ऐसे जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने गया होगा क्या परमात्मा भाव स्थिर हो जाता परमात्मा स्थिर हो जाते हैं, चाहे आप चाहो पहुँचाओ चाहे ना चाहो भक्त चाहे कोई बोले नहीं भगवान से अलग रहोगा ये होना संभव ही नहीं, भगवत तत्व ज्ञान होगा तो आप भगवान के साथ एक अनुभव करेंगे अजम अजय न के न सर्वगम परिदर्शन ऐसा कहते हैं। एक नंबर टिप्पणी में देखिए शनिर्वाणविति निर्वृत्ति दुख असंभेद निष्पत्ति निर्वृत्ति मतलब संपादन संपादन क्या संपादन किया दुख असंभेद से निष्पत्ति दुख के द्वारा संबंध से भेदित होने का असंभेद भेद होने का विपरीत असंभेद से उसको संपादन करके इसको बोलता है निर्वाण, मतलब जहाँ पे दुख आपको चुभता नहीं है जहाँ पे दुख चुभता नहीं है निर्वाण दुख नहीं है वहाँ पे जो ज्यादा दुख है ना असंभिन्न निसर्ग के लिए परिभाषा देते हैं ना पूर्व ग्रंथ दर्शन जो दुख के द्वारा भेदित नहीं होता यहाँ पे तो परंतु विषय रूप में आता है और ये स्वरूप रूप में आता है। कैवल्य अख इसी को केवलता के भाव को कहा जाता है कैवल्य भाव केवलता के भाव और उस नाम से कहा जाता है कैवल्य मतलब केवलता के भाव शुद्ध हूँ मात्र हूँ इस नाम से कहा जाता है। दुख असंभेद जहाँ पे दुख बिल्कुल आपको स्पर्श नहीं कर पाता तेन सह वर्तते इस प्रकार से विद्यमान रहता है जहाँ पे दुख स्पर्श नहीं करता स्वनिर्वाणम उसके स्वर्तते तथा दुख को असंभिन्न अर्थ मतलब जो दुख के द्वारा कभी भी मतलब भेदित नहीं होता दुख के द्वारा कभी भेदित नहीं होता भिन्नता प्रिया शब्द में आता है उसका निष्ठा होता है भिन्न असंभिन्न मतलब उसके द्वारा भेदित मतलब दुख को स्पर्श ही नहीं कर पाता दुख को स्पर्श नहीं कर पाता ये हो गया। इस समय आप खुद देखिए सामान्य अवस्था में यदि जिस समय आप ध्यान करते हैं अगर मन को एकाग्र करने का कोशिश करते हैं अपने में रहते हैं उस समय हमें कोई दुख स्पर्श नहीं कर पाता जैसे ही उत्थान अवस्था में शरीर सकारात्मक कर लिया दुख शुरू होता है। इसलिए तो इंद्र को प्रजापति ऋषि बोलते हैं मघमन मघमन सशरीर भाव संतना प्रिया प्रेरा पाती अस्थि मघमन सशरीर भाव संतना प्रिया प्रेरा पाती अस्थि इंद्र जब तक तुम्हारा शरीर के साथ तादात्म्य रहेगा तब तक तुम प्रिय और अप्रिय से बच नहीं सकते मतलब तुम अशोक से बच नहीं सकते
अशरीरम भावसंत न प्रिया प्रिय स्पृशत अशरीरम भावसंत न प्रिया प्रिय स्पृशत। यदि तुम शरीर के साथ तादात्म्यता छोड़ सकते हो तब तुमको प्रिय और प्रिय स्पर्श नहीं कर पाएगा। अशरीरम भावसंत अशुद्ध शरीर के साथ अगर तादात्म्यता तुम्हारा छूट गया तब प्रिय और प्रिय तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। मतलब निर्माण सनिर्माण अभी समझ जाए प्रिय और प्रिय दोनों स्पर्श नहीं करते उस रूप में विद्यमान रहते हैं तथा दुख असंभिन्न विधि अर्थ दुख के साथ दर्द को भेदित नहीं होता दुख के द्वारा ये इसका दुख के तत्व है स्थिति को प्राप्त कर लिया है। निर्देश है आत्यंतिक दुख निवृत्ति और निर्देश है आनंद की प्राप्ति है ना। एक चीज दो नंबर टिप्पणी भी हमें अजम अजेन ज्ञेन है ना जन्म रहित तत्व के द्वारा जन्म रहित तत्व जो ज्ञेय रूप में था है ना उसको अभिन्न रूप से जाना जाता है। इस रूप में जाना जाता है जब हम जानने के लिए प्रोसेस शुरू किए थे तब तो हम इसको जानूंगा मैं जानने वाला इस वस्तु को भगवान के ईश्वर को जानूंगा। अब जब धीरे धीरे प्रोसेस करते 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 जब अंबर तत्व के जितने नजदीक पहुंचते उसमें क्या हो जाता है दूरी बिल्कुल समाप्त हो जाता है एक हो जाता है दूरी रह गई जाता है। इसलिए आप बोलते हैं देखो ज्ञेय अभिन्न मिति शेष है ना अभिन्न रूप से ज्ञेय के साथ ज्ञाता ज्ञेय के साथ अभिन्न रूप सामने। अभी तक हमने पेंसिल को जाना पेन को जाना टेबल को जाना चेयर को जाना भगवान को जाना नदी को जाना सब आपको से भिन्न रूप में जाना परंतु आप क्या हो जाएगा अभिन्न रूप से जाने है ईश्वर को आत्मा को अपने अभिन्न रूप से जाने इसी को इस रूप में जानना इस स्थिति को सर्वोत्तमता कहा जाता है। इस स्थिति को सर्वोत्तमता कहा जाता है क्योंकि ये हमारे तैतरी उपनिषद नहीं होते हैं ब्रह्म विनात्मा परम ब्रह्म के सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहायां सो अस्मते सर्वान कामान सह ब्रह्मना विपश्चित यही है। क्या होता है जैसे व्यापकता के साथ एक हो जाएंगे तो समस्त अपने को किससे भिन्न कुछ देखेंगे नहीं जितना भोग्य वस्तु था सब मैं ही हूँ इस रूप में व्यक्त होगा। इसलिए अस्मते सर्वान कामान समस्त भोग्य वस्तु एक साथ प्राप्त हो जाता है ऐसा करके सूर्य कहती है यही है यही सर्वज्ञता है इसको इस रूप से कहा जाता है। अब देखिए टीका का श्लोक की अर्थ करते हैं वेदांत ज्ञेयम च अजम इति है ना वेदांत में जो उसको जानते हैं जो जिस जानने जो वस्तु को वेदांत में वेदांत वेद पुरुष जन्म रहित है वेदांत वेद पुरुष जन्म रहित है इसलिए बोलते हैं वेदांत ज्ञेयम च अजम इति। वो कैसे जानते हैं अभिन्न रूप में जानते हैं वेदांत मानस वेदांत वेद पुरुष जन्म रहित है अतः सृष्टि हुई है जन्म व्यक्ति से रहित हो जाती है वेदांत ज्ञेयम च अजम इति इस रूप में जानते हैं कि ये ना किसी को जो यहाँ पर टिप्पणी कार लिखे ना उसी को टीकाकार मतलब टीकाकार को देख कर हमें टिप्पणी का मतलब वहाँ पर जो लिखा है ना अजम अजेन गेन मूल में वो गेन के आगे गेन अव्यतिरिक्त मिति शेष मतलब गेय के सब अभिन्न रूप में यद्यपि मैं ज्ञाता हूँ और ये गेय है परंतु ये आत्मज्ञान में क्या हो जाएगा इस गेय हमसे अभिन्न हो जाएगा यही जानना इसलिए बोलते हैं गेन अव्यतिरिक्त अभिन्न रूप से शेष ये उसका ही दो नंबर। अब इस विषय में तत्र विदुषां सम्मति उदाहरति इस विषय में विद्वान पुरुषों के अनुभव को यहाँ पे उदाहरण के रूप में कहते हैं। तत्र छः नंबर टिप्पणी जतते ब्रह्मणि इस व्यापकता के भाव में जब मैं स्थित होता हूँ उस स्थिति को ब्रह्मवेत्ता पुरुष कैसे कहते हैं है ना ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस स्थिति को कैसे कहते हैं इसलिए बोलते हैं बस इस स्थिति को सर्वोत्तमता कहते हैं इसलिए बोलते हैं तत्र तत्र मतलब जत्रते ब्रह्मणि इस व्यापकता की भाव में जब कोई साधक होता है विदुषा विद्वान पुरुष भी इस विषय में सम्मति दे उदाहरण दिया सर्वत्म परिचक्ष है ना इसी को सर्वज्ञ के रूप में कहते हैं अभिन्न सर्वज्ञ कहते हैं। अच्छा अब भाष्य में आ जाइए जतत्तम परमार्थ सुख आत्मसत्व अनुभूत लक्षणम स्वस्थम स्वात्मनि स्थितम है ना यथोत्तम मतलब ये जो जिस प्रक्रिया को यहाँ पे कहा गया है किस प्रक्रिया को कहा गया है धीरे 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 जगत संबंधित मिथ्यात्व निश्चय के फलस्वरूप जब मन फिर बाहरी वस्तु संबंधित चिंता करना बंद कर देता है ये हमारे लिए प्रक्रिया है श्रवण मनन निदर्शन के माध्यम से जगत के मिथ्यात्व निश्चय होने के फलस्वरूप ग्राह्य भावे हमारे लिए भ्रम करने जो कुछ संसद में कुछ है ही नहीं
तदकृत अनुशील चिंतक नहीं होता सकती। इस प्रकार से यथर्थम परमर्थ सुखम, जो परम अर्थ श्रेष्ठ विषय श्रेष्ठ सुख परमर्थ सुखम है, जो पारमार्थिक सुख है, वो कैसे प्राप्त किया? आत्मसत्त अनुबोध लक्षण है ना, आत्मसत्त अनुबोध है ना, संकल्प रखे जाए, ये आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है, आत्मा ही अनंत स्वरूप है ना, इसी अनंत को मैं नित्य निर्देश अनंत को सभी चीज ढूंढ रहे हैं, तो यही जो है अब प्राप्त हो गया। इसलिए आप बोलते हैं क्या कि आत्मसत्व अनुभूत हो रहा, आत्मसत्व अनुभूत के अनुभूत मतलब ये ध्यान देना, अनुभूत बार बार शब्द का उपयोग कर रहे हैं, ये अपने आप होने वाला नहीं है, गुरु मुख से शास्त्र को सुन करके बार बार मनन के फलस्वरूप जो निश्चय है ये अनु, एक तो गुरु मुख से सुनना और बार बार अनु मतलब पश्चात एंड रिपीटेशन, गुरु मुख से सुनने के बाद बार बार अपने का अभ्यास करना, ये अनु में इतना उपयोग करना है। उसको क्या होता है अनु मतलब अनुबोध, मतलब किसी सामने सुना उस समय बोध हुआ तो अनुपश्चात बोध हुआ, और यहाँ पे इतना ही अनुशब्द का मतलब रिपीट करना उसको, अब इसको अनुसंधान करते हैं, अनुमत बार बार उस विषय खोज करते हैं, ये अनुबोध यहाँ पे विषय जैसा है उसको सत्य अनुबोध लक्षण उस प्रवेश का लक्षित हो गया। इतिहास क्या है स्वच्छता मूल में है उसको कहते कहते स्वात्मनिष्ठितम है ना, अब चित्त है अपने स्वरूप के साथ एक होकर के विद्यमान है, शांतम शांतम शब्द का अर्थ कर दिया सर्व अनर्थ उपशम रूपम है ना, विषय चिंतन ही अनर्थ का कारण होता है, अब विषय चिंतन हो नहीं होता है पर समस्त अनर्थ उपशम हो गया दब गया है ना, शांतम सर्व अनर्थ उपशम रूपम ही शांति है ना, समस्त अनर्थ क्योंकि विषय संबंधित चिंता बाहरी वस्तु संबंधित चिंता ही हमारे लिए अशांति के कारण होता है ना, जब उसको चिंता नहीं है तब समस्त अनर्थ उपशम हो जाता है। फिर तीसरा पद है स्वनिर्वाणम, तो स्वनिर्वाण मतलब निर्वृत्ति मतलब संपादन, निर्वाणम मतलब दुख दुख रहित स्थिति को, देखिए शास्त्र क्या बोलते हैं, आनंदादि खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त विषं विशन्ति तत्त्वम्, आनंद से उत्पत्ति आनंद में स्थिति आनंद में खेलना आनंद में लय प्राप्त करना, तो दुख कहाँ से आए, ये दुख कहाँ से आ गया, यही जो है ये पूर्णता की पूर्णता में स्थित रहना का नहीं रह पाता है इसीलिए दुख होता है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं स्वनिर्वाण मतलब निर्वाण निर्वृत्ति निर्वाण मतलब ये जो दुख रहित स्थिति की संपादन करना, दुख रहित हम हमेशा ही है परंतु हमने अपने को दुखी बना लिया था परिच्छिन्न मान कर, अब जो परिच्छिन्न भाव को छोड़ दिया ये दुख रहित स्थिति आ गया, इसलिए बोलते हैं मतलब कैवल्यस्य मतलब केवल था कि भाव में मैं ये हूँ मैं वो हूँ, जितना मैं ये हूँ वो हूँ उतना ही हमारे लिए दुख दे दिया, मैं सच्चित सत्ता मात्र हूँ है ना, ये स्थिति जो है केवल था कि भाव इसी को निर्माण स्थिति कहते हैं है ना, कैवल्य सा निर्माण ये ना वर्तव्य निर्माण के रूप में मतलब दुख रहित स्थिति में विद्यमान कहते हैं। अकथ्यम अब इस समय ये जो दुख रहित स्थिति में जो आनंद की अनुभूति होती है उस और वो जो दुख रहित निर्वाण स्वनिर्वाण जो स्थिति है वो क्या है, तत्व अकथ्यम उसको जो है शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता, न शक्त कथित तुम है ना, उसको बोलने में असमर्थ है, अनुभव करेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, अनुभव करेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, अत्यंत असाधारण विषय अथवा जो साधारण विषय जब आज तक जितना अनुभव है हमारा साधारण अनुभव मान लीजिए चाहे हमने कोई एक पुतला में अपनाया अथवा कोई देव देव शरीर को अपनाया उसका अनुभव का विषय रूप में अपनाया ये उससे बिल्कुल विलक्षण है, इसलिए बोलते हैं अत्यंत असाधारण विषय असाधारण विषय तक बोल के बाद अत्यंत असाधारण विषय, जिस प्रकार हमारा स्वर्ग ब्रह्म लोक आदि भी हमारा इंद्रिय गम में नहीं होता फिर भी शास्त्र से उसको वर्णन करके कुछ हम लोग समझते हैं, परंतु इसका तो कुछ भी वर्णन नहीं होता क्योंकि ये जो है शास्त्र निषेध रूप में इसको वर्णन किया निषेध रूप से वर्णन किया, इसलिए अत्यंत असाधारण विषय एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ते हैं, मतलब लोकोत्तर स्वरूपत्वादी अर्थ लोक व्यवहार में जैसा स्वरूप दिखता है इसको ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसके बारे में कथन नहीं कहा जा सकता। अकथम सुखम उत्तम सुखम है निरतिशय भी तो सुख क्या है निरतिशय सुख, परंतु सभी व्यक्ति इसको अनुभव नहीं कर पाते, कौन कर पाता है
योगी प्रत्यक्ष योगियों के द्वारा की भगवत के साथ भगवान के साथ जुड़ने के प्रयास करने वाले व्यक्ति जब भगवान से मन जुड़ जाते हैं वही इसको अनुभव कर पाते हैं, सभी व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। सुखम उत्तम निर्दिशय भी तद योगी प्रत्यक्ष वो एकमात्र सामान्य व्यक्ति तो नहीं समझ पाते हैं उसको, योगी पुरुष ही इसको समझ पाते हैं। तो योगी प्रत्यक्ष एवं दो नंबर के ऊपर है ये निर्दिशय का सुखम उत्तम है तो अपरिच्छिन्नम ये सुख इंटरप्ट नहीं होता, कोई विजातीय वस्तु के द्वारा ये परिच्छिन्न नहीं होता, भिन्न वस्तु कुछ है नहीं, अकेला असंभव पूर्ण व्यापक पुरुष भाग में रह नहीं गए परम सुख की स्थिति। फिर जो है सेकंड लाइन में क्या आया था अजम अजेन गेन न जातम इति अजम, जिसमें कभी सृष्टि हुई नहीं इस प्रकार के जन्म नहीं करता है, तथा न जातम इति अजम तथा विषय विषय, जैसे विषय को विषय करने वाला जो सुख होता है ना वो सुख तो उत्पन्न हो तो पैदा होने वाला सुख है, और ये सुख विषय को विषय करने वाला नहीं है इसीलिए पैदा होने वाला सुख नहीं, ये पैदा होने वाला सुख नहीं है। न जातम इति अजम तथा विषय विषय, जैसे विषय को विषय करने वाला जो सुख होता है वो सुख जो उत्पन्न वाला सुख वो जन्म सुख है, और जन्म सुख होने के कारण वो नाशवान भी होते हैं, है ना, उससे उत्थान भी होता है। इस तीन नंबर टिप्पणी में यथा यथा मतलब घटादि विषयकम ज्ञानम यथा जनिमत न तथा इदम ब्रह्मस्वरूप ज्ञानम इति आह यथा विषय विषय ज्ञानम जिस प्रकार विषय विषय ज्ञान होता है, विषय को विषय करने वाला विषय होगा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को विषय करने वाला जो ज्ञान होता है वो ज्ञान जन्य सुख, वो ज्ञान से होता है जन्य सुख, जन्म ज्ञान होता है जन्म सुख होता है, तो ये स्वरूप का ज्ञान है ये जन्म सुख नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, हमेशा विद्यमान है, आवृत था खुल गया आवरण हट गया, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पे बोल रहे हैं कि न जातम इति अयम यथा विषय विषय, जैसे विषय को विषय करने वाला घटादि विषय कम ज्ञानम घट को विषय करने वाला जो ज्ञान है, यथा जनिमत जैसे वो ज्ञान उत्पन्न होता जनिमत जन्म लेने वाला, न तथा एकदम ब्रह्मस्वरूप, अभी ब्रह्मस्वरूप का जो ज्ञान है ना ये ऐसा ज्ञान नहीं है उत्पन्न होने वाला ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये स्वरूप ज्ञान है और हमेशा विद्यमान रहता है, हम केवल समझ नहीं पा रहे थे अब समझ में आ गया, इसलिए बोलते हैं ज्ञान मिति यथा विषय विषय, जिस प्रकार विषय संबंधित ज्ञान होता है वो ऐसा नहीं है, ज्ञान मिति शेष मतलब वहाँ पे जाता है विषय विषय ज्ञान इतना जोड़ के अर्थ करना पड़ेगा, जिस प्रकार विषय विषय जो विषय को विषय करने वाला जो ज्ञान होता है वो जनिमत वो जन्म ज्ञान होता है, फिर फल तो नाशवान भी होता है, कितना भी मेधावी व्यक्ति हो आपने कितना भी पढ़ रखा कुछ दिन तक याद रखे कि समय आने पर वो सारा धीरे धीरे भूल जाते हैं, परंतु आत्मस्वरूप का ज्ञान कितना भी बुढ़ा भी हो जाएगा परंतु क्योंकि वो तो जन्म ज्ञान नहीं था, वो तो अपना है तो अपना स्वरूप ऐसा ही रहता है, अपने स्वरूप है तो वो सही रहता है। फिर आगे अजेन एक जन्म रहित तत्व को अजेन अनुत्पन्न ज्ञेन अव्यतिरिक्त वो जो है ज्ञेयों से अभिन्न रूप में सत अव्यक्त स्वेन सर्वज्ञ रूपेण अपने ही स्वरूप होता है पूर्णता व्यापकता सर्वज्ञता को सर्वज्ञ ब्रह्म एवं सुखम परिजक्षते सर्वज्ञता इस व्यापकता है सर्वज्ञता है, इस प्रकार से उस सुख को कहा जाता है परिजक्षते कथयंती कथयंती कर्ता कौन है ब्रह्मविदः ब्रह्मवेत्ता पुरुष है सर्वज्ञ है, कि सामान्य व्यक्ति इसको ना जानते हैं ना समझते हैं, इसीलिए हम कहेंगे वो योगी प्रत्यक्ष है, योगी लोग इसको समझते हैं और वही लोग इसको इस रूप से कहते हैं, इसी स्थिति में हम सर्वज्ञता बोलते हैं। तो आप समझ में आ गया वेदांतिक सर्वज्ञता क्या है, ये नहीं समझना कि ज्ञान होने के बाद मैं सबको जान लूंगा तो यहाँ पे क्या है वहाँ पे है, वेदांतिक होने के बाद बस यही है कि मैं सर्वरूप हो जाऊँगा मतलब आपसे भी जो कुछ नहीं रह जाएगा, अनुभूति के फलस्वरूप मन की जो स्थिति है उस भाव को प्राप्त कर जाएंगे, इसलिए ज्ञेन अव्यतिरिक्त से अभिन्न होते हुए स्वेन सर्वज्ञ रूपेण आत्मी जो है मतलब सर्वात्म भाव सर्वात्म भाव से सर्वज्ञ ब्रह्म है वो मैं
सर्व सर्वव्यापी जो ब्रह्म व्यापक तत्व है उस व्यापक सुख को प्राप्त कर जाता है। ऐसी इस प्रकार से जो है ब्रह्मवेत्ता पुरुष कहते हैं ब्रह्मविद परिचक्ष मतलब कथयंती बोलते हैं ब्रह्मवेत्ता पुरुष लोग बोलते हैं। देखिए इसके ऊपर टीकाकार क्या बोल रहे हैं, टीकाकार बोल रहे हैं जो भाष्यकार लिखे ना यथोक्तम भाष्य पहला पद है यथोक्तम, टीकाकार बोलते हैं यथोक्तम इति असंप्रज्ञात समाधि लक्षणम ब्रह्म। संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि तक जाने के बाद जो मन की स्थिति है वो यथोक्तम वो उसको यथम चल रहा है। इस प्रकार लक्षण कर रहे लक्ष्य होता है व्यापकता तस्य परम पुरुषार्थ रूपता। इस प्रकार की जो स्थिति है यही है परम पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ में यही पुरुषार्थ श्रेष्ठ पुरुषार्थ इसलिए बोलते हैं तस्य इस व्यापकता की पूर्णता की जो भाव है असंभवता की जो भाव है वही भाव जो है परम पुरुषार्थ रूपता यही जो है परम पुरुषार्थ की यही स्वरूप है परम पुरुषार्थ मतलब ये धर्म अर्थ काम का स्वरूप क्या है आपको कोई धर्माचरण किया उससे आपका अभिष्ट वस्तु को प्राप्त किया फिर आपने भोग को वस्तु को प्राप्त हुआ और उसको आपने भोग किया ये एक हो गया एक का मतलब। दूसरा क्या हो जाएगा कि आप जो है अभी कि समस्त विशेषता को छोड़ करके निर्विशेष पूर्ण व्यापक भाव में विद्यमान रहना यही जो है परम पुरुषार्थ है श्रेष्ठ पुरुषार्थ है इसी को मुक्ति भी कहेंगे तस्य परम पुरुषार्थ रूपता। हाँ छः नंबर के फल देते सात नंबर के फल समाधि लक्षण ब्रह्म समाधि लक्षण ब्रह्म समाधि लक्षण समाधि न लक्ष्यते साक्षात क्रियते है ना। ये इस तत्व को कैसे जाना जाता है समाधि लक्षण मतलब समाधि के द्वारा मन जब संवर्ग रूप से उसके ऊपर आधित हो जाता है चित्त जब व्यापकता के ऊपर आरूढ़ हो जाता है उसी से उसी अवस्था में इसको समझा जाता है उसी अवस्था में इसलिए बोलते हैं कि सात नंबर जो समाधि न लक्ष्यते समाधि के माध्यम से वो लक्षित होता है मतलब साक्षात क्रिय थे उस समझ में वो अनुभव में आता है इसलिए बोलते हैं समाधि लक्षण ब्रह्म जो समाधि के द्वारा संभव मतलब संभव रूप से मन जब उसके ऊपर आहित हो जाते हैं आधार हो जाता है बैठ जाते हैं तब जो स्थिति को अनुभव करते हैं वही हो गया समाधि लक्षण उसके द्वारा व्यापकता भी आपको अनुभव होता है। तस्य परम पुरुषार्थ रूपेतम अहम सुखम मतलब वहाँ पे क्या बोलते सुखम सुखम आत्मसत्व अनुभूत लक्षण संस्कृत है वो सुख क्या है अपने आप में ईश्वरी एकमात्र सत्य वस्तु आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है उससे भिन्न सारा वस्तु संसार में लेते हैं स्व इसी को बोलते हैं स्वस्थता इसी को स्वस्थता बोलते हैं इसलिए स्वस्थ मतलब स्वात्मनि स्थितम। अच्छा अब यहाँ पे टीकाकार देखिए बोलते हैं वैशेषिकम सुखम व्यवच्छेदम परमार्थ इति विशेषणम प्रशंसा बोलने के बाद भगवान भाष्कर इसलिए परमार्थ सुखम है ना तो जो विशेष संबंधित जो सुख है उस सुख को हटाने के लिए इस सुख का विशेषण दिया परम सुखम मतलब परमार्थ सुखम जब परम पुरुषार्थ में जो सुख प्राप्ति होते इसलिए होते हैं तस् जब वैशेषिकम सुखम व्यवच्छे तो विश्व वैशेषिक मतलब तो वैषयिक वैषयिक सुखम है ना विषय संबंधित सुख है विषय और विषय से बनता है वैषयिक तद्धित हो ठक प्रत्यय हुआ तब ठक प्रत्यय सच्चरी को आदमी को आदि अष्ट वृद्धि हो गया तद्धित स्वसमान वही वही हो गया तो हो गया वैषयिक मतलब विषय संबंधित सुख को व्यवच्छेद तुम अलग करने के लिए परमार्थ इति विशेषण और सुख का विशेषण क्या दिया ये परमार्थ सुख परम पुरुषार्थ के लिए सुख है उसमें हमें कहेंगे किम तत्र ज्ञानेन इति आशंक आह इसको जानने से क्या होगा किम तत्र ज्ञानेन इति आशंक अवश्य शंका करने में कहता आशंक तब से स्वयं प्रकाश अच्छा वहाँ से ज्ञान से क्या करेंगे ज्ञान से वहाँ पे क्या लेना है क्योंकि ज्ञान के द्वारा तो वस्तु को जानते हैं मगर जिसको हम जान रहे हैं वो स्वयं स्वयं प्रकाश है जिस प्रकार घट पट मन ये जड़ है वो अपने आप को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं उसको प्रकाशित करने के लिए चेतन तत्व मैं की आवश्यकता है। अब जब मैं को जानने का कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ पे फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है इसलिए बोलते हैं कि आत्मा आशंक तस्य स्वयं प्रकाशत्वात् न तत्र ज्ञान अपेक्षा वो स्वयं प्रकाश होने के कारण वहाँ पे उससे भिन्न कोई ज्ञान की अपेक्षा नहीं है ये इसके भाव है कि तत्व ज्ञान है ना वहाँ पे ज्ञान से क्या लेना आशंक आह न ही स्वरूप
ज्ञानम अनर्थ निवर्तकम किम तरी शास्त्रियम इति अभिप्रायेण आह इति उक्तम। अब देखिए, अब जिस समय मैं अपने को अज्ञानी मान करके मैं दुखी हो रहा हूँ, उस समय भी ज्ञान विद्यमान है कि नहीं है? और जिस रूप में विद्यमान है वो हमेशा उसी रूप में ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो जिस समय ज्ञान विद्यमान, उस समय भी मैं दुख का अनुभव कर रहा हूँ, और एक समय क्या आता है उसको जान लेने के फलस्वरूप हमारे दुख निवृत्त हो जाते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पे, ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आया, ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल मात्र हमारी जानकारी में परिवर्तन है, उससे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश नीला दिखाई दे रहा था और काटाकार दिखाई, अज्ञान अवस्था में भी दिखाई देता है, ज्ञान अवस्था में भी दिखाई देता है, परंतु पहले हम नहीं जानते थे, अभी जानते हैं कि आकाश न नीला है न काटाकार है, इससे आकाश को क्या फर्क पड़ता है? आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे नहीं स्वरूप सत, वो ज्ञान अपने स्वरूप में विद्यमान होते हुए भी अनर्थ निवर्तक, हमारे दुख के निवर्तक नहीं होता। इसीलिए ना कि अज्ञानात्मक वृत्ति में मैंने अपने को मनुष्यत्व की मान्यता दे दी कि मैं मनुष्य हूँ, इसीलिए इस अज्ञान को मिटाने के लिए हमको ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए। जिसे बोलते हैं ब्रह्माकार वृत्ति, क्योंकि अभी मनुष्यकार वृत्ति है, मन हमेशा स्पॉन्टेनियसली चलता रहता है मनुष्यकार वृत्ति। इस मनुष्यकार वृत्ति अनर्थ का कारण है, और इस मनुष्यकार वृत्ति को मिटाने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए, परंतु इसमें शुद्ध ब्रह्म में आत्मा में कुछ फर्क नहीं होता। जब बोलते हैं ज्ञान से क्या लेना देना है वहाँ पे, तो ज्ञान से ही लेना है, स्वरूप भूत होकर के जो अब ज्ञान रहता है उसके आवरण के कारण वो हमारा दुख निवृत्त नहीं कर पाता, परंतु वही आवरण जब हट जाते हैं स्वरूप भूत रहते हैं, हमारे दुख निवृत्ति के हेतु बनता है। यही ज्ञान की जानने की अपेक्षा, ज्ञान तो सिर्फ जानने का यही लाभ होता है। हर प्रश्न उठाएगा कि तत्व ज्ञान है ना, उसको जानने से क्या लाभ होगा, तो उसको कोई ज्ञान की आवश्यकता क्या है, वो तो स्वयं प्रकाश है। बोलते स्वयं प्रकाश जब स्वरूप भूत होकर के रहते हैं तब हमारा दुख निवृत्ति के लिए हेतु नहीं बनता। परंतु जब वृत्ति आरूढ़ चेतन अथवा चेतन आरूढ़ वृत्ति हमारी अज्ञान को नाश करते हैं, वृत्ति आरूढ़ चेतन अथवा चेतन आरूढ़ चेतन मार्ग जो वृत्ति मतलब चेतन वही हमारा मनुष्य संपर्क छिन्न वृत्ति को नाश करता है, वो हमारे दुख निवृत्ति के हेतु बनता है। इसलिए बोलते हैं नहीं स्वरूप सब ज्ञानम अनर्थ निवर्तकम किम तरी शास्त्रीय ज्ञान, है ना, जो शास्त्र के माध्यम से उसको जानी थी अभिप्राय न आहुष को मन में रखते हुए आहुति उत्तम उसको आगे कहते हैं किम तत्र ज्ञाने न, उस प्रकार जानने से अथवा क्या लाभ होगा, तब कहते हैं आत्मसत्व अनुबोध लक्षण है। आपको ये जानना पड़ेगा कि आत्मा ही एकमात्र संसार में सत्य वस्तु है और बाकी अनात्मा सारा मिथ्या है, परमार्थ का नहीं है उसमें दिया। टीका में फिर तस्य सत्यस्य आगम आचार्य अनुरोधिना बोधेन लक्ष्यते प्राप्यते ब्रह्म इति तथा उच्यते। आत्मसत्व अनुबोध लक्षणम, इसका पूरा अर्थ करते हैं। देखिए कि तस्य सत्यस्य उस परम सत्य का जो आत्मा है, उस आत्म संबंधित ज्ञान का आगम आचार्य अनुरोधिना, है ना, आचार्य की वाक्य, हाँ मतलब आचार्य की मुख से श्रुति वाक्य, आचार्य के मुख इधर उधर वाक्य से भी काम करने वाला नहीं है। जैसे दो चीज है, आगम आचार्य अनुरोधिना, आगम वाक्य श्रुति वाक्य को आचार्य के मुख से सुन के उसके अनुरोध से बल के अनुरोधिना बोध ही ना, और उस बोध के द्वारा लक्षित होता है, जो अपने मतलब लक्ष्यते प्राप्यते वो समझ में आता है, कौन व्यापकता ब्रह्म इति तथा उच्चते, इसलिए उसको इस प्रकार से कहा जाता है आत्मसत्व अनुबोध लक्षणम, है ना। ये तीस जी को ध्यान दीजिए, और मेरा मुख्य रूप वेदांत क्षेत्र यही है, स्तुति वाक्यों को गुरुमुख से मतलब परंपरागत गुरुमुख से सुनने से तब जाकर अर्थ स्पष्ट होता है, तब जाकर समझ में आता है। ये बोलते हैं तस्य सत्यस्य आगम आचार्य अनुरोधिना बोधेन आगम आचार्य के कथन के बाद जब हम अभ्यास करेंगे उससे जो बोध उत्पन्न है बोध के द्वारा वो लक्षित होता है, मतलब प्राप्त करते ब्रह्म व्यापकता लक्षित मतलब बोध होता है। तथा इस स्थिति को इस शब्द के द्वारा कहा गया है आत्मसत्व अनुबोध लक्षणम। तस्य स्वमहिमा प्रतिष्ठित तब, जो आत्मा की कहा किसमें प्रतिष्ठित रहते हैं, स्वभूमा कस्मिन प्रतिष्ठित है, स्वयं प्रतिष्ठित है, यदि मान नौ महिम कृष्ण कोई महिमा नहीं है, ऐसा करके भूमा विद्या में बोलते हैं। इसीलिए आप बोलते हैं तस्व महिमा प्रतिष्ठित तम आह,
तो उसमें कहते हैं स्वात्मनि स्थितम, ठीक है ना, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। सर्वस्य त्रिविधस्य अनर्थस्य उपशमेन उपलक्षितत्वादपि पुरुषार्थत्व सिद्धि इति आह, है ना। आप स्वयं जो है अनुभव करेंगे, कर्म करके तीन प्रकार के ताप होता है, क्या था, अध्यात्मिक अधिभोगिक अधिदेवी, है ना। अध्यात्मिक पर तो अपने आप में जो शरीर संबंध के जो ताप अधिक होते हैं उसको कि देवता से जो कोपित होकर के हमें जो भोगना पड़ता है, जिस प्रकार इस समय बरसात नहीं होना चाहिए, बरसात की कल्पना नहीं होना चाहिए, देवर को हो जाए, और आदि भौतिक दूसरा भूत के द्वारा जहाँ हमें हानि पहुँचते हैं, कुत्ता बिल्ली सांप खच्चर कुछ भी कभी कुछ टकरा गया तो उस प्रकार से तीन प्रकार के दुख, सर्वस्व त्रिविधस्व, है ना, तीन प्रकार के दुख जितने प्रकार से आ सकते हैं वही जो है अनर्थ के हेतु होते हैं। तो अनर्थस्व सभी प्रकार की अनर्थों का उपशमेन मतलब शांति के माध्यम से उपलक्षितत्व ये चीज समझ में आता है, इस कारण से अभी पुरुषार्थ सिद्ध इसी से परम पुरुषार्थ सिद्ध होता है, यदि आह उसे भी हमें कहते हैं, ठीक है। सर्वस्व त्रिविधस्व अनर्थस्व, तीन प्रकार की जो अनर्थ के दुख हेतु है उसका सभी को सभी का उपशमेन उनको शांत होकर शांति के माध्यम से उपलक्षितत्व यीशु लक्षित होता है, यीशु लक्षित होता है। इसलिए इस कारण से भी अभी पुरुषार्थ दृश्य और पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए आवश्यक मन में रखते हुए सर्व अनर्थ उपशम रूप समस्त अनर्थ का उपशम हो जाता है, त्रिविध ताप का शांति हो जाता है। तो इसीलिए तो हमारे शांकदर्शकारी का पहला श्लोक है, दुख त्रव्य खाता हेतु विनाश, ये तीन प्रकार के दुखों के हेतु विनाश कैसे होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, सामान्य रूप से तो कोई परेशानी हुई दवाई दुवाई खा लो तो आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगा, फिर ठीक है शास्त्र आदि के माध्यम से स्वर्ग जाके तो वहाँ पर तो शुद्ध होगा, फिर वहाँ से वापस आना पड़ता है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति का एक ही मात्र होता है पुरुष तत्व का ज्ञान का स्वरूप का, है ना। इसलिए आप बोलते हैं उपलक्षित पुरुषार्थत्व सिद्धि सर्व अनर्थ स्वरूप। दस नंबर टिप्पणे में बोलते उपलक्षित अंतकरण आदि दुखी व्यवृत्त स्वरूपत्वाद इति अर्थ, है ना। अंतकरण और अंतकरण के साथ विद्यमान है शुद्ध, इससे अलग रूप, इससे अलग रूप है। यह बोलते सर्वस्य त्रिविधस्य अनर्थ पोषण उपलक्षित इसके द्वारा अलग इशु क्या है ये बोला नहीं जा सकता, परंतु ये तीन प्रकार के ताप हमारे साथ आ रहा था, अब वो ताप का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए आप बोलते हैं कि अंतकरण आदि अंतकरण मन बुद्धि में दुखी व्यवृत्त स्वरूप होता है, वहाँ से जो दुखित रूप जो अनुभव होता है उससे अलग स्वरूप है, उससे अलग दुख का अनुभव है। ठीक है, अत्यंतिक दुख निवृत्ति तो हो गया, पर निश्चय निर्दिशय आनंद की अभिव्यक्ति भी होती है, इसीलिए भगवान वासुदेव बोले निर्दिशय आनंद अभिव्यक्ति निन अवशिष्य अनर्थ उच्छिप्ति एव लक्षण मोक्षम आचक्षते, ठीक है ना। निर्दिशय आनंद को निर्दिशय आनंद की प्राप्ति नहीं बोल रहे हैं, क्या हो गया, निर्दिशय आनंद अभिव्यक्ति मतलब निर्दिशय आनंद इज ऑलरेडी इन यू, केवल उसको मैनिफेस्ट होना, मतलब आपके सामने अभिव्यक्ति का आने से होता है। निर्दिशय आनंद अभिव्यक्ति और निर अवशेष अनर्थ उच्छेद्य और दुख का अत्यंत मतलब अवशेष कुछ भी नहीं रह जाएगा, दुख का लेश मात्र भी नहीं रहेगा, निर अवशेष अनर्थ के उच्छेद्य, ये दो काम होता है मोक्ष, मुक्ति मतलब ये दो स्थिति है ना। मुक्ति मतलब वो अभ्यथर कुछ नहीं, हमेशा मस्ती में रहना और दुख के साथ स्पर्श नहीं होना, दुख के स्पर्श नहीं होना अपने आप ही हो जाएगा, ये दुख के साथ संबंध शरीर इंद्र मन बुद्धि के साथ है। शरीर इंद्र मन बुद्धि को जब आपने अलग करके देखना शुरू कर दिया तो उसके धर्मों का अपनाएंगे कैसे, अपना हो नहीं सकता। नील अवशिष्य अनर्थ शक्ति स्वीति एवं लक्षण, इस प्रकार के लक्षण का अलग लक्षण तो क्या है मोक्ष, ऐसे इसी को मोक्ष कहा जाता है। तत्कथम इदम ब्रह्म, तो वो जो इस प्रकार के ब्रह्म कैसा होता है इति आशंका आह, तत् कथम इदम ब्रह्म, इदम मतलब समाधि काल इदम ब्रह्म, समाधि काल में जब पता है कैसे समाधि में आता है, तत् कथम निर्दिशय आनंदादि रूपम, ये निर्दिशय आनंद रूप कैसा होता है,
न ही इदानी मोक्ष इति शांति की उत्पत्ति मतलब इस स्थिति को तो आप मोक्ष नहीं बोल सकते, ऐसे शंका करने वाले का अभिप्राय है। शंका करने वाले का मतलब वो शंका उठा रहे ना कि तब कथम ये शंका करने वो कैसे हो सकता है, क्योंकि जब मन और वृत्ति नहीं है तब तो उसका अनुभव में नहीं आएगा, तो कैसे आप कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है। तब कथम इदम ब्रह्मश्री इदम शब्द कथा समाधि कालीन समाधि काल में व्यापक कथा ये कैसे स्थिति हो गया, तत्कथम निर्देश आनंद रूप तो कैसे निर्देश आनंद रूप हो सकता है उसका नहीं इदानी मोक्ष, इसलिए एक इसको तो आप मोक्ष नहीं कह सकते इति शंकितुर अभिप्राय शंका करने वाले का ये अभिप्राय है। महाराज शंकितुर अभिप्राय शंकितुर शंका है शंकितुर शंका करने वाले प्रतिपदी क्या है शंकित्वी शंका करने वाला शंकित्वी से धर्मकार आ गया। अब दृष्टि उसका जिस प्रकार मातृ शब्द का षष्ठी वचन क्या होता है मातु, इसलिए शंकितु शंका करने वाले का ये अभिप्राय है, शंका का ये अभिप्राय। अच्छा तत्कथम अब भाषण स्वनिर्माण निर्वृत्ति निर्वाणम कैवल्यम स्वनिर्माण कर्तव्य स्वनिर्माण मतलब वहाँ पे मान से रहित हो जाना, इस भाव को संपादन कर देना मतलब क्या भाव है केवल था कि भाव को स्थित हो जाना इसका भी तस् यहाँ पे देखिए बोलते हैं क्षीर गुणादि माधुर्य भेद स इव स अनुभव मात्र अधिगम्य अवाच्यम आह। इस प्रकार की सुख जो है कि उसकी जो सुख है वो क्या है, इस प्रकार किसी ने दूध पिया अथवा दूध क्या होता है उसका स्वाद क्या होता है तो पीने वाला ही समझ सकते हैं, जो किसी को कितना भी बोलेंगे वो समझ में नहीं आ सकते। अच्छा और फिर गुड़ जैसे गुड़ में कितना मधुरता है, अलग अलग गुड़ में अलग अलग प्रकार के हैं, जिसको जैसे अभी रहता था उनको कहता है जैसे ये जो है मीठा तो है परंतु मीठा की मात्रा और उससे क्या आपकी अनुभूति ये आप ही समझ सकते हैं, दूसरे को नहीं समझ। इसलिए बोलते हैं क्षीर गुड़ादि माधुर्य भेद शैव ये दोनों में मधुरता है, पर दूध भी मीठे लगते हैं और फिर गुड़ भी मीठे लगते हैं, दोनों में मधुरता भिन्नता है, जैसे वहाँ की भिन्नता है उसको अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार भेद शैव स्व अनुभव मात्र अधिगतत्व ये केवल मात्र आपके अनुभव से ही अनुभव से ही अनुभव में आता है तब बोध होता है, इसलिए अवांछतम इन्हें इसको कहा नहीं जा सकता। महाराज जी कोविड 10 का धुआं है बोल रहे हैं गूंगा जैसे गुड़ खाए और मुस्काए, गूंगा जैसे गुड़ खाए और मुस्काए, तो गुड़ खाए और मुस्काए आप कैसे समझ में आएगा कि भाई तो बोल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, गुड़ तो खाया मीठा तो लगा अच्छा तो लगा परंतु बोला नहीं जा सकता। ये इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का केस है, सीता जी जब वो राम जी जाते हैं ना मिथिला में आए हैं तो गौरी के सूर्य गौरी सीता मंदिर देवी पूर्ण जाकर राम जी के उनके मंदिर में सीता जी को देखा, सीता जी अब घूम गए तो सभी लोगों को पूछ रहे अच्छा क्या देखा क्या देखा बोलो, तो वो संतोष से देखते हैं सखी वाणी नयन बिन वाणी देखा हम आँख से परंतु आँख बोल नहीं सकते और जो बोल सकते हैं वो देखा नहीं, वाणी नयन बिन वाणी वाणी को देखने की सामर्थ्य नहीं है और जो देखता है उसको बोलने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं कैसे वर्णन करूँ ऐसा मैं कैसे वर्णन करूँ। तो ऐसे ही मतलब ये जो है ऐसी सीखा अनुभव तो होता है आनंद की परंतु वर्णन नहीं किया जाता, इसीलिए आपके पूछे हैं कि तस्य क्षील गुणादि माधुर्य भेद सैव स अनुभव मात्र अधिगतत्वात् माधुर्य भेद विशेषता भेद मतलब विशेषता दोनों की मधुरता में क्या भिन्नता विशेषता है वो अनुभव का ही बोल सकते उस तरह समझ सकते हैं। मात्र अधिगतत्व अधिगम्यता अवाच्यतम इसलिए वो नहीं कहा जा सकता है। तच्च अतथम न शक्यते कथयितुम अत्यंत असाधारण विषय अत्यंत असाधारण विषय होने के कारण जब उत्तम परमार्थ सुखम इति तब इदानी उपादे तो कहीं कहीं कहता है दिस एब्सोल्यूट परमार्थ सुख एब्सोल्यूट सुख और अत्यंत जब उत्तम परमार्थ सुखम इति तब इदानी उपादे तो उसी यहाँ पे प्रतिपादन करते हैं भगवान भास्कर सुखम उत्तम मतलब निर्दिशय भीतर वो निर्दिशय सुख है परंतु साधारण व्यक्ति का जानने योग्य नहीं है
तो योगी लोग साधक ही इसको समझ सकते हैं। भगवत नाम में क्या आनंद है ये साधक समझ सकते हैं। और मैंने कितना समझे क्या, अरे वहाँ में क्या मिलता है, क्या करते हो, सब ऐसे ही पूछते हैं। अब क्या मिलता है उस व्यक्ति जानते हैं क्या मिलते हैं। तभी सर्वेशा एव भाया यदि अत्यंत सुख है, अत्यंत स्पष्ट रूप है तो सभी के सामने प्रकाश होना चाहिए। तभी सर्वेशा में एव भाया दीदी आशंका से शंका करने को उत्तर देते हैं, नहीं नहीं योगी प्रत्यक्ष में योगी लोग ही समझ सकते हैं। वहाँ पे देखिए पाँच नंबर और छः नंबर टिप्पणी लिखे मैंने। तभी मतलब अपरिच्छिन्न थे, मतलब जो इंटरेक्टेड नहीं है पूर्ण व्यापक तत्व है उनको सभी को देखना चाहिए, क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं। आह उसको उत्तर में कहते हैं अपरिच्छिन्नम अपि ज्ञान प्रति आवरणम न तान प्रतिभाति सूर्यवत। सूर्य के प्रकाश सबके लिए प्रकाशित है, उल्लू सूर्य के प्रकाश देख पाता कि नहीं देख पाता, नहीं देख पाता, क्यों नहीं देख पाता, उसके लिए प्रतिबद्ध बैठे हुए हैं। इसीलिए बोलते हैं अपरिच्छिन्नम अपि सूर्य के प्रकाश परिच्छिन्नित नहीं होते हुए ज्ञान प्रति आवरणम जिनके आँख में जो है दोष है वो अंधा है, वो बेचारा जो है सूर्य के प्रकाश नहीं देख पाता है। न तान प्रतिभाति सूर्य का, जिस प्रकार उनके सामने सूर्य का प्रकाश प्रकाशित नहीं होता, कि किसी प्रकार से आपका पूर्ण प्रकाश होते हुए भी है ना, जब तक आवरण है तो आवरण क्या है परिच्छिन्नता में तादात्म्यता, परिच्छिन्नता में तादात्म्यता जब तक है तब तक अपने पूर्णता की बोध नहीं प्रकाश नहीं प्रकाश नहीं प्रतिभाति सूर्य। फिर आगे लिखे बोल रहे हैं टीका में टिकाई है वैधर्म दृष्टान्तम आह। ये जो ज्ञान है ये जो है जन्म ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान घटपट का कैसे ज्ञान है, वस्तु देखा कर संबंध ज्ञान होता है, परंतु आत्म ज्ञान ऐसा जन्म ज्ञान नहीं है। इसलिए बोलते हैं ज्ञानस्य अजातत्व ज्ञान ये उत्पन्न होने वाला ज्ञान नहीं है। इस विषय में व्यतिरिक्त दृष्टान्त को दे रहे हैं, क्योंकि और तो कोई ऐसा भी है नहीं जो जन्म ज्ञान है, सब जन्म ज्ञान है, इसलिए व्यतिरिक्त दृष्टान्त ही दिया जा सकता है। केवल मतलब व्यतिरिक दृष्टांत ही दे सकता है कि ऐसा ज्ञान नहीं है। इसलिए बोलते हैं यथा विषय विषय ज्ञानम, इस प्रकार विषय संबंधित ज्ञान जन्म ज्ञान होता है, ये ज्ञान ऐसा नहीं है। जन्म ज्ञान जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ये जिस प्रकार मान लीजिए यहाँ पे इस कमरे में क्या क्या है ये हमें ज्ञान नहीं है। अब आया आपने देखा कि कमरे में ये वस्तु है, ये विद्राम है, ये देवी है, ये जन्म ज्ञान है, आने के बाद आपने देखा। परंतु यहाँ पे आत्म ज्ञान ऐसा जन्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान तो आपको इंद्रिय का माध्यम से मन के माध्यम से, यहाँ पे इंद्रिय और मन के माध्यम से ज्ञान नहीं है। ये जन इसलिए ये जन्म ज्ञान भी नहीं है, ये व्यक्ति एक आत्मज्ञान ही जो है ये स्वरूप पुत्र का भी ज्ञान है, ये उत्पत्ति वाली ज्ञान। यदि उत्पत्ति वाला ज्ञान होता तो क्या होता, हाँ नाश हो जाता, नाश हो जाता। इसीलिए अतः अन्न अन्न प्राप्ति की तुलना में इस प्राप्ति में कोई विशेषता है तो हम इसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते, इसीलिए इस विशेषता को बना के रखने के लिए ज्ञान सजा विषय विषय अजेन अनुत्पन्न ज्ञेन अव्यतिरिक्त सत्व अभिन्न होते हुए, ज्ञेन और ज्ञान अभिन्न होते हुए शेन सर्वज्ञ रूप पूर्णता के रूप में सर्वज्ञ ब्रह्मदेव सुखम पर सुख देव पूर्ण सुख रूप में इसको कहते हैं। उन लोग कहते हैं कथयंती ब्रह्मविदं ब्रह्मदेवता पुरुष ठीक है। ओम आज तीसरा वाला होगा यत् प्रज्ञालोका भाषा प्रतिहति अगम शांत स्वांधकारो मध्यो उन्मध्य च घोरे यशकृत् उपजनो दन्वति त्राशनेमि यत् पारवास्मितां श्रुति समभिनय प्राप्तिरग्रामिनो तत्पावरूपावनीयो भवभयो विनतो सर्वभावेन नमस्ते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवमङ्गलाय शूरभाष्यकृतौ वन्दे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो नेति मुनिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये शांति शांति शांति।